बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं अल खैर एकेडमी के फोरम से बात कर रही हूँ। माय नेम इज़ लायबा आबिद। टुडे वी डिस्कस हेयर द चैप्टर नंबर 13 ऑफ सेकंड ईयर केमिस्ट्री विच नेम इज़ कार्बोक्सिलिक एसिड। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमाइनो एसिड्स, यानी कि आज हम जो है अमाइनो एसिड्स के जो हैं वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे। फर्स्ट है हमारे पास एसिडिक बिहेवियर ऑफ अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड जो है हमारे पास एसिडिक बिहेवियर जो है वो कैसे शो करते हैं कि अल्कली जो है वो प्रोटोन जो है वो गेन करने की सलाहियत रखती हैं अमाइन ग्रुप से। जब प्रोटोन जो है वो अमाइन ग्रुप से जो है वो लिया जाता है, जिसकी वजह से अमाइनो एसिड में जो है वो एसिडिक करेक्टर जो है वो आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें हमारे पास जो है अमाइनो एसिड का मैंने ज्विटर आइन जो है वो ड्रॉ किया है विच रिएक्ट विद हाइड्रोक्सल। हाइड्रोक्सल जो है वो एक एज एन अल्कली जो है वो रिएक्ट कर रहा है, ये हाइड्रोजन जो है NH3 से हाइड्रोजन को रिमूव करा लेगा, जिसकी वजह से हाइड्रोजन जो है वो रिलीज हो जाएगा NH2 से, दे चेंज इन टू द वाटर मोलिक्यूल एंड जो रिमेनिंग हमारे पास जो अमाइनो एसिड बनेगा वो अपने अंदर जो है वो एसिटिक बिहेवियर रख रहा है, यानी कि उसके ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज है। नेक्स्ट हमारे पास बेसिक बिहेवियर। बेसिक बिहेवियर में बेसिकली क्या होगा, जब एक एसिड कोई भी एसिड जो है वो हमारे पास ज्विटर आयन के साथ रिएक्ट होगा, जब वो ज्विटर आयन के साथ रिएक्ट होगा तो एक हाइड्रोजन जो है वो बेसिकली इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। और वो किस में चेंज हो जाएगा, वो हमारे पास जो है वो जो हमारे पास फॉर्मूला जो बनेगा वो हमारे पास है RCACOOH NH3 पॉजिटिव। NH3 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है विच मेक इट्स बेसिक इन बिहेवियर। नेक्स्ट हमारे पास है स्टेरिफिकेशन। स्टेरिफिकेशन में जो है अमाइनो एसिड जो है वो अल्कोहल के साथ रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम एंड इट्स चेंज इन टू द एस्टर्स, यानी कि हमारे पास जो है अमाइनो ग्रुप जो है वो हमारे पास अल्कोहल्स के साथ रिएक्ट करा है स्ट्रॉन्ग एसिड की मौजूदगी में, और रिजल्टेंट कंपोनेंट जो हमारे पास बन रहा है वो है एस्टर बाय द रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। नेक्स्ट हमारे पास है रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। नाइट्रिक एसिड का जो है हमारे पास फॉर्मूला होता है HNO3। अगर एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है वो कम कर दिया जाए, दे चेंज इन टू द नाइट्रस, यानी कि नाइट्रस एसिड का जो हमारे पास फॉर्मूला होगा वो होगा HNO2। यहाँ भी देखिए अमाइनो एसिड जो है वो रिएक्ट कर रहा है HNO2 के साथ, मैंने इसका स्ट्रक्चर जो है वो ऐसे लिख दिया HNO2। यहाँ से नाइट्रोजन लाइक नाइट्रस एसिड से एक नाइट्रोजन और इस अमाइन ग्रुप का एक नाइट्रोजन, ये दोनों आपस में रिएक्ट करके हमें क्या दे देंगे NO2। रिमेनिंग हमारे पास जो है ये वाला हाइड्रोजन इस एक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हमें वाटर मॉलिक्यूल दे रहा है, रिमेनिंग हमारे पास यहाँ पे एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन रह गया। ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन जो है वो इस अमाइन ग्रुप की जगह जाके क्या हो जाएगा, प्लेस हो जाएगा। हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास होगा अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि हमारे पास जो प्रोडक्ट बन रहा है विद नाइट्रस एसिड वो हमारे पास है अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट हम देखेंगे पेप्टाइड लिंकेज। बेसिकली पेप्टाइड लिंकेज क्या होता है, जैसे कि मैंने वेरी स्टार्ट ऑफ द लेक्चर जो हम लोगों ने कल पढ़ा था उसमें मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स जब आपस में रिएक्ट अटैच होते हैं तो वो हमें प्रोटीन का मॉलिक्यूल देते हैं। हमारे पास अमाइनो एसिड, एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड के साथ जो है वो कैसे अटैच होगा, बाय द रिमूवल ऑफ वाटर, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल जो है वहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। एक अमाइनो एसिड का जो फॉर्मूला है वो मैंने ये ड्रॉ किया, सेकेंड अमाइनो एसिड का फॉर्मूला जो है वो ये ड्रॉ किया। इस अमाइनो एसिड के कार्बोक्सिलिक ग्रुप से हाइड्रोक्सिल ग्रुप और इस अमाइनो एसिड के अमाइन ग्रुप से एक हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन इस हाइड्रोक्सिल के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, H2O वाटर मॉलिक्यूल। जब ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज हो जाएगा तो कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान जो है वो डायरेक्ट बॉन्ड बन जाएगा, लाइक कार्बन का ऑक्सीजन जो है वो डबल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा बाय द रिमूवल ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में क्या हो जाएंगे, यूं जो है वो अटैच कर जाएंगे। बाकी का ये वाला पूरा का पूरा ग्रुप और ये वाला पूरा का पूरा ग्रुप जो है वो बिल्कुल इसी तरह जो है नोट डाउन कर लिया जाएगा। कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान डायरेक्ट बॉन्डिंग हो रही है, इस बॉन्डिंग को हम क्या बोलेंगे, पेप्टाइड लिंकेज। जब दो अमाइनो एसिड्स आपस में रिएक्ट करेंगे दे एग्जिबिट द एग्जांपल ऑफ द डायपेप्टाइड लिंकेज। जब तीन अमाइनो एसिड्स आपस में रिएक्ट करेंगे दे एग्जिबिट द एग्जांपल ऑफ ट्राइपेप्टाइड लिंकेज। इसी तरह जब पांच अमाइनो एसिड्स जो हैं वो आपस में रिएक्ट करेंगे दे एग्जिबिट द एग्जांपल ऑफ द पेंटापेप्टाइड लिंकेज, यानी कि जैसे जैसे अमाइनो एसिड के मॉलिक्यूल जो हैं वो बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे पेप्टाइड लिंकेज की तादाद भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। अगर 10 अगर हमारे पास मॉलिक्यूलर मास जो है वो हमारे पास अमाइनो एसिड्स का 10,000 ये इससे क्या होगा, कम होगा, दे एग्जिबिट द एग्जांपल ऑफ पेप्टाइड लिंकेज। लेकिन अगर हमारे पास मॉलिक्यूलर मास जो है वो हमारे पास 10,000 से एक्सीड कर जाता है, यानी कि बढ़ जाता है, दे एग्जिबिट द
एग्जाम्पल ऑफ प्रोटीन, तो हमें एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल देंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स, यानी कि अमाइनो एसिड्स की आइडेंटिफिकेशन जो है वो किस तरीके से की जाती है। इसके लिए हम निन हाइड्रिन टेस्ट जो है वो परफॉर्म करते हैं। निन हाइड्रिन टेस्ट जो है वो ऐसा टेस्ट होता है जो हमें प्रेजेंस ऑफ अमाइनो एसिड जो है वो बताता है कि ये हमारे पास जो कंपाउंड है वो अमाइनो एसिड है या नहीं है। निन हाइड्रिन को जब रिएक्ट करवाते हैं हम अमाइनो एसिड के साथ, तो हमें वायलेट ब्लू कलर जो है वो देता है। तो ये जो वायलेट ब्लू कलर जो होता है, वॉलेट ब्लू कलर जो होता है डिफरेंट अमाइनो एसिड्स के साथ जो है वो डिफरेंट शेड्स देता है। इन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन या ड्यूरिंग क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन जो है अमाइनो एसिड जो है वो हमारे पास आइडेंटिफिकेशन अमाइनो एसिड के आइडेंटिफिकेशन के लिए जो है वो निन हाइड्रिन टेस्ट जो है वो परफॉर्म किया जाता है। हमें ब्लूइश वॉलेट कलर जो है वो देता है, इंटेंस देता है, यानी कि बहुत डेप्थ में देता है। और जैसे जैसे अमाइनो एसिड की वेरिएशन होती जाती है, शेड्स जो हमें डिफरेंट शेड्स जो है वो देगा, जिसकी वजह से हम एक अमाइनो एसिड को दूसरे अमाइनो एसिड से जो है वो डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ये हमारे पास जो है अमाइनो एसिड का आर्टिकल कंप्लीट हुआ, आज का लेक्चर भी हमारा कंप्लीट हुआ। इस तरह हमारा चैप्टर जो कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप था, इसका जो लास्ट आर्टिकल था हमारे पास अमाइनो एसिड था। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आएगा और आप लर्निंग जो है वो बिल्कुल साथ साथ कर रहे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ जो है वो अगेन मुलाकात होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।